हेलो एवरीवन, नाउ वी आर स्टार्ट अवर रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ वाटर सोल्युबल विटामिन्स, दैट इज विटामिन B3, आल्सो कॉल्ड नाइसिन। सो फैट सोल्युबल विटामिन्स हम देख चुके थे प्रीवियस वीडियोस में, आप उसको देख सकते हो। और विटामिन्स जो हमने वाटर सोल्युबल विटामिन्स पढ़े थे उसमें हमने 2 विटामिन्स डिस्कस कर चुके हैं, जो कि विटामिन B1 विटामिन B2 था। अब हम विटामिन B3 के बारे में डिस्कशन करते हैं कि विटामिन B3 क्या होता है, इसके सोर्सेज क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में होती है तो क्या इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। सो फर्स्टली हम देखते हैं विटामिन B3 होता क्या है। नाइसिन जो कि विटामिन B3 है इज ऑल्सो नोन एज निकोटिनिक एसिड। दिस विटामिन डिफर्स फ्रॉम द अदर विटामिन्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ नाइसिन इन द बॉडी इज सिंथेसाइज फ्रॉम अमाइनो एसिड एंड ट्रिप्टोफैन। मतलब जो नाइसिन है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसका एक नाम और है जो कि निकोटिनिक एसिड है। मतलब जो विटामिन B3 है, नाइसिन जो है उसको निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अब जो ये विटामिन्स है ये क्या है, एक डिफरेंट टाइप का विटामिन्स है। इसमें क्या होता है, जो ये बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है, क्योंकि ये क्या करता है 50% क्या करता है, नाइसिन किससे मिलके बना होता है, अमाइनो एसिड्स और ट्रिप्टोफैन से मिलके बना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या है विटामिन B3 के। फर्स्ट फंक्शन देखते हैं, नाइसिन इज़ नीडेड फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। अब नाइसिन जो है ये किस लिए रिक्वायर्ड होता है, जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है हमने न्यूट्रिशन की 5th यूनिट में देखा था, आप वीडियोस देख सकते हो। तो एनर्जी क्या है, वर्क करने की कैपेसिटी, किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो ये एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। सेकंड जो फंक्शन है, नाइसिन हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन। अब एक बॉडी में हमारे फूड के प्रॉपर डाइजेशन के लिए भी एक जो नाइसिन है, मतलब विटामिन B3 हमारी हेल्प करता है। थर्ड जो फंक्शन आता है, इट्स मेंटेन हेल्दी नर्वस सिस्टम। मतलब अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको भी हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है विटामिन B3। नेक्स्ट है, हेल्प्स टू मेंटेन स्किन एंड नर्व्स टू फंक्शन। मतलब जो हमारी स्किन है उसके मेंटेनेंस में हेल्प करता है, और जो हमारी नर्व्स होती हैं उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। इट ऑल्सो इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड सर्कुलेशन इन द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होता है उसको इम्प्रूव करके रखने में हेल्प करता है, और जो बॉडी में जो सर्कुलेशन, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें भी ये क्या करता है, हेल्प करता है प्रॉपर सर्कुलेशन में। तो ये इसके फंक्शंस थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन B3। अब जो विटामिन B3 है ये हमें कहाँ से मिलता है, तो मेन सोर्स ऑफ विटामिन B3 आर फिश, चिकन, लीवर, पीनट्स, मशरूम्स, ग्रीन पीनट्स, सनफ्लावर्स, सीड्स, सीरियल्स, मिल्क एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। मतलब इसके मेन सोर्सेस कौन से हैं विटामिन B3 के, जो फिश हैं, चिकन, लीवर और जो पीनट्स होते हैं ये भी इसके सोर्सेस हैं, मशरूम्स जो होती है इसमें भी विटामिन B3 पाया जाता है, जो ग्रीन पीनट्स होते हैं मतलब जो मटर हम लेते हैं उसमें भी विटामिन B3 की मात्रा प्रेजेंट होती है, सनफ्लावर्स हैं, जो सीड्स हैं, सीरियल्स हैं और मिल्क है, और इसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उसमें भी नाइसिन मतलब विटामिन B3 प्रेजेंट होता है। तो इसके डाइटरी सोर्सेज है ये कि किसके थ्रू हमें, किस सोर्स के थ्रू विटामिन B3 मिलेगा। अब इसका RDA देखते हैं, RDA विटामिन B3। RDA मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंस, मतलब एक पर्सन को डेली कितने अमाउंट में विटामिन B3 की मात्रा अपनी बॉडी में नेसेसरी है। तो चिल्ड्रंस का देखते हैं, फर्स्टली बिटवीन 2 to 16 मिलीग्राम्स डेली डिपेंडिंग ऑन एज। मतलब उसके एज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, 2 to 16 मिलीग्राम्स क्या करना है पर डे उसको B3 की क्वांटिटी देनी है। अब मेंस में देखते हैं, 16 मिलीग्राम्स डेली, मतलब एक मेन में, एडल्ट में कितना, 16 ग्राम डेली एक विटामिन B3 की रिक्वायरमेंट होती है। अब वुमेंस की बात करें तो 18 मिलीग्राम्स डेली, 18 क्यों, अब मेंस में 16 मिलीग्राम्स पर डे है तो वुमेंस में भी 16
मिलीग्राम्स पर डे होगा, बट यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है प्रेग्नेंट लेडी की बात कर रहे हैं, तो प्रेग्नेंट में हम क्या करेंगे 2 मिलीग्राम बढ़ा देंगे, बिकॉज ऑफ जो फीटस है मदर के वूम में उसको भी डाइट की ज़रूरत होगी, तो हम उसके लिए भी क्या करेंगे डाइट की रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे, तो हम उसको 18 मिलीग्राम्स पर डे विटामिन B3 की क्वांटिटी देंगे। अब वुमेंस जो है नेक्स्ट 17 मिलीग्राम्स डेली, मतलब पर डे हमें क्या करना है 17 मिलीग्राम्स देना है मदर को, कब, जब वो लैक्टेशन के ड्यूरेशन में, मतलब बेबी को ब्रेस्ट फिट करवा रही होती है 6 मंथ तक, तब हमें क्या करना है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है, तो 17 मिलीग्राम्स पर डे हम विटामिन B3 की मात्रा देंगे। अब मैक्सिमम डेली इंटेक फॉर एडल्ट्स ऑफ ऑल एज 35 मिलीग्राम्स डेली, मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो इंटेक होना चाहिए एक एडल्ट में अपनी एज के अकॉर्डिंग वो है 35 मिलीग्राम्स पर डे उसको विटामिन B3 की मात्रा लेनी चाहिए। अब हम देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3, मतलब अगर हमारी बॉडी में विटामिन B3 की अगर डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी डिसीज़ कॉज होती है, तो डिसीज़ का नाम है प्लेग्रा। अब अगर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होगी तो डिसीज़ जो कॉज होगी वो होगी प्लेग्रा। प्लेग्रा क्या होता है, सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ नाइसिन इन द डाइट बिकॉज द डिजीज़ प्लेग्रा विच इज कैरेक्टराइज बाय डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डेमेंशिया एज वेल एज नेकलेस लीजन्स ऑन द लोअर नेक, हाइपर पिगमेंटेशन, थिकनिंग ऑफ स्किन, इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ एंड टंग, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, एमेंशिया एंड इवेंचुअली डेथ इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। मतलब क्या है प्लेग्रा क्या होता है, इस ये एक सीवियर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है जो कि विटामिन B3 की कमी से होता है। इसके जो है कॉज, अगर डाइट जो है अगर प्रॉपर नहीं मिल पाती है तो ये डिसीज़ कॉज होती है। तो जब ये डिसीज़ कॉज होती है तो इसके सिम्टम्स, मतलब इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, डायरिया होता है, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन डिसऑर्डर्स भी होते हैं, इसके अलावा डिमेंशिया होता है जो कि भूलने की बीमारी, इसमें मतलब क्या होता है ये मतलब मेंटली प्रॉब्लम भी अराइज हो जाती है, और इसके साथ क्या होता है नेकलेस लीजन्स, मतलब क्या है जो नेक के जो लोअर साइड में क्या होगा लीजन्स आ जाएंगे, और स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन भी होगा और स्किन जो है वो थिक हो जाएगी, थिकनिंग ऑफ स्किन हो जाएगी, और क्या होगा माउथ और जो टंग है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्टोमेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है, ग्लोसाइटिस हो जाएगा, इसके अलावा जो डाइजेशन है वो भी इम्पैक्ट हो जाएगा, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एमनेशिया भी हो सकता है, जो मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकता है माइंड से रिलेटेड, इसके अलावा डेथ हो सकती है। डेथ की कंडीशन कब आएगी, जब हम इस डिसीज़ को ट्रीट नहीं करते हैं तब क्या होगा पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। कॉमन साइकेट्रिक सिम्टम्स ऑफ नाइसिन डेफिशिएंसी इंक्लूड इरिटेबिलिटी, पुअर कंसंट्रेशन, एंजाइटी, फटीग, रेस्टलेसनेस एंड डिप्रेशन, मतलब कुछ कॉमन साइकेट्रिक सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं अगर ये डिसीज़ कॉज होती है प्लेग्रा, तो क्या होता है ये आपको पता ही है कि ये नाइसिन की डेफिशिएंसी से होती है, तो इसमें क्या होता है अगर साइकेट्रिक सिम्टम्स देखें तो इरिटेबिलिटी होगी, पेशेंट बहुत इरिटेट होने लगेगा, बहुत पुअर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसका, इसके अलावा उसको फियर एंजाइटी होगी, फटीग होगा, बहुत रेस्टलेसनेस हो जाएगा वो, और डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो इसके साइकेट्रिक सिम्टम्स थे इस डिसीज़ के। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, 50 mg BD फॉर ए वीक इन इंजेक्शन फ्रॉम फॉलोड बाय ओरल डोज, 100 mg BD एंड 3 weeks, मतलब क्या है कि हमें 50 mg का डोज इसे क्या देना है 1 week में एक इंजेक्शन देना है, और ओरल डोज देना है हमें 100 mg BD देना है इसको 3 week तक, ये इसका ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम वाटर सॉल्युबल विटामिन, नेक्स्ट जो है विटामिन B5 है जिसको हम पेंटोथेनिक भी कहते हैं। अब ये पेंटोथेनिक क्या होता है, इसके सोर्सेस क्या है, फंक्शंस क्या है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन B5 इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्ट्रेस विटामिन, विटामिन B5 को एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहते हैं। दिस विटामिन कैन बी प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय इंटेस्टाइनल फ्लोरा, जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है उसके
द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। इट इज़ एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोविटको एंजाइम ए विच इज़ नेसेसरी फॉर ए मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन्स। मतलब अब ये एक इसेंशियल होता है विटामिन, इसलिए ये को एंजाइम के रूप में वर्क करता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, जो एंजाइम्स जब प्रेजेंट होते हैं तभी हमारे बॉडी में फूड का मेटाबॉलिज्म होता है। अगर एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हुई तो जो डाइजेशन है हमारा वो इम्पैड हो जाएगा। तो ये जो विटामिन है, विटामिन B5 ये क्या कर रहा है, को एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है। तो ये क्या करेगा, जब ये एंजाइम की तरह वर्क करेगा तो ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। किस चीज़ के मेटाबॉलिज्म में, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है, मतलब उसका ब्रेक डाउन करता है। अब इसके डाइटी सोर्सेज देखते हैं कौन कौन से हैं। डाइटी सोर्सेज, रिचेस्ट सोर्सेज आर लीवर, व्हीट, जम एंड ड्राइड ईट्स, फूल सीरियल्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स, एग्स एंड गुड सोर्सेज ऑफ दिस विटामिन। मतलब ये जो भी आपको सोर्सेज दिए हैं, जैसे कि लीवर हो गया, व्हीट, जम्स एंड ड्राइड जो यीस्ट होता है, फूल सीरियल्स हैं, नट्स होते हैं, ऑयल सीड्स जो है, एग है, ये गुड सोर्सेज होते हैं, रिचेस्ट सोर्सेज होते हैं ये विटामिन B5 के। अब इसके डाइटरी रिकमेंडेड अलाउंस देखते हैं कि एक पर्सन को पर डे कितनी मात्रा में विटामिन B5 की क्वांटिटी लेनी चाहिए। 10 mg पर डे, द टेबल सोर्स डेली रिक्वायरमेंट ऑफ पेंटोथेनिक एसिड फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। मतलब पर डे कितनी ज़रूरत है, 10 mg पर डे जो है विटामिन B5 की रिक्वायरमेंट होती है एक हेल्दी एडल्ट में। इसको टेबल के थ्रू हम देखते हैं कि किस एज में कितनी रिक्वायरमेंट होती है। अब एज के अकॉर्डिंग देखते हैं इन्फेंट्स को इस विटामिन की कितनी क्वांटिटी चाहिए होती है पर डे। तो इसका जो है 1.5 mg टू 2.5 mg पर डे होना चाहिए। चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रंस में 5 to 8 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और अगर एडोलसेंट्स की बात करते हैं तो 8 to 10 mg पर डे विटामिन B5 की मात्रा उन्हें उनके बॉडी में नेसेसरी होती है। अब प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन की बात करें तो इनको जो है हम, क्योंकि फीटस जो होता है मदर के वूम में होता है, तो उसको भी विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जब लैक्टेटिंग मदर होती है, मतलब जब ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में, तब भी हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा कर देते हैं, क्योंकि बेबी के लिए भी एक नेसेसरी होता है। तो हम इसकी जो क्वांटिटी रखेंगे वो 10 to 15 mg पर डे होगी। अब देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5, मतलब विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से क्या होगा। डेफिशिएंसी ऑफ पेंटाथेनिक एसिड इज रेयर, नो क्लियर कट डेफिशिएंसी हैज बीन ऑब्जर्व्ड। मतलब जो ये डेफिशिएंसी है पेंटोथेनिक, मतलब विटामिन B5 एसिड, इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर कंडीशन में दिखाई देती है, मतलब बहुत कम दिखाई देती है ना। तो ये क्या है, बहुत ही, मतलब नो क्लियर कट डेफिशिएंसी है, जो कि बहुत ही कम ऑब्जर्व हुई है। फ्यू सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी आर नोजिया, वॉमिटिंग, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, स्टोमक पेन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड ट्रेमर्स ऑफ द आउट स्ट्रेच हैंड। मतलब अगर ये मे बी अगर ये डिसीज़ आपको कॉज होती है, मतलब इसकी डेफिशिएंसी होती है आपको, तो उसके सिम्टम्स कुछ दिखाई देते हैं, जिसमें कि नोजिया इंक्लूड है, वॉमिटिंग हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट, इरिटेबिलिटी होगी, उसे स्टोमक पेन हो सकता है और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, ट्रेमर्स आ सकते हैं और जो आउट स्ट्रेच हैंड्स हो सकते हैं पेशेंट के। तो विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से ये सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो कि आता है विटामिन B6। विटामिन B6 को पायरीडॉक्सिन विटामिन भी कहते हैं। पायरीडॉक्सिन वॉज आइसोलेटेड इन ए प्योर फॉर्म इन 1938 बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्क्स। इट अकर्स इन 3 फॉर्म, पायरीडॉक्सिन, पायरीडोक्सेक्सेल एंड पायरीडॉक्सामिन। मतलब क्या है कि जो पायरीडॉक्सिन है, जो कि विटामिन B6 है, ये क्या है, एक 1938 में क्या है, इसको आइसोलेट किया गया था।
अब ये किस चीज़ों से मिलके बना होता है? जो पाइरीडॉक्सिन होती है, जो पाइरीडॉक्सल होते हैं और जो पाइरीडॉक्सामिन होते हैं, उससे मिलकर ये पाइरीडॉक्सिन बना होता है। अब ये क्या रोल प्ले करता है? इट इज़ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। अब जो ये विटामिन्स है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में। किसके मेटाबॉलिज्म में? प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है। अब इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है बॉडी में? 2 mg पर डे फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। इट्स रिक्वायरमेंट इज एज फॉलोस, मतलब 2 mg पर डे एक पर्सन को इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। मतलब पर डे क्या करना है, जो विटामिन हमारा कौन सा है, B6, इसको क्या करना है, पर डे 2 mg की क्वांटिटी में लेना है। अब इसको एक टेबल के थ्रू देखते हैं, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ पाइरीडॉक्सिन। अब डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इन्फेंट्स को कितने पाइरीडॉक्सिन, कितने mg में चाहिए होता है, तो इसका जो डोज है वो है 0.5 mg। अब बात करते हैं चिल्ड्रंस की, तो चिल्ड्रंस को इसका डोज कितना मिलना चाहिए, 1 to 1.5 mg पर डे इसका डोज है। अब एडल्ट्स जो है उसको 2 mg पर डे विटामिन B6 की रिक्वायरमेंट होती है। अब प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स को हम बढ़ा कर देते हैं बिकॉज ऑफ फीटस को भी न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए इसीलिए। तो इसके जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, 2.5 mg होगी। तो ये इसकी डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन B6। अब देखते हैं सोर्सेस कौन कौन से हैं विटामिन B6 के। ड्राइड ईट्स, वीट्स, जम, राइस, पॉलिसिंग, लीवर आर रिचेस सोर्सेज ऑफ पाइरीडॉक्सिन। मिल्क, नट्स, सोयाबीन एंड ग्राउंड नट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन B6। मतलब जो यीस्ट होते हैं और वीट है, जर्म्स है, जो पॉलिसिंग राइस है और जो लीवर होता है, ये रिचेस्ट सोर्सेज होते हैं पाइरीडॉक्सिन के। इसके अलावा जो मिल्क्स होते हैं, नट्स होते हैं, सोयाबीन्स होते हैं, जो कि हमारे सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के सोर्सेज में इंक्लूड होते हैं। ये सारे सोर्सेज क्या है, ये विटामिन B6 के लिए, विटामिन B6 इसमें इंक्लूड होता है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं कि जो विटामिन B6 है ये क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में। एसेंशियल फॉर सिंथेसाइज एंड ब्रेक डाउन ऑफ अमाइनो एसिड्स। मतलब क्या है, ये एक इसेंशियल विटामिन्स है जो कि क्या करता है, अमाइनो एसिड्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। अब हेल्प्स टू कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नाइसिन। अब ये विटामिन प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, ये ट्रिप्टोफैन को नाइसिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ हीम, मतलब जो हीम है, हीम मतलब हीमोग्लोबिन जो है हमारा, उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है। फोर्थ जो फंक्शन है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। मतलब अगर ये विटामिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी हमारी बॉडी से और इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करेगी। जो भी फॉरेन बॉडीज आती है तो क्या होता है, हमारे WBCs क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी से जो कि फॉरेन बॉडीज़ के अगेंस्ट फाइट करती है, उसको किल कर देती है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो विटामिन है ये हेल्प करता है एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में। अब डेफिशिएंसी देखते हैं कि अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। हाइपोक्लोरिक एनीमिया बिकॉज हीमोफोबिया इज़ नॉट सिंथेसाइज, रेड ब्लड सेल्स आर पेल इन कलर। मतलब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, जो हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, मतलब क्या होता है, मतलब हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम बनते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स जो है वो बनना कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, हाइपोक्लोरिक एनीमिया हो जाता है और ब्लड की कमी हो जाती है। अब क्या है ये, सिबोरिया लाइक स्किन लीजन्स अराउंड द आईज एंड नोज। मतलब सिबोरिया हो जाता है, मतलब क्या है, जो हमारी जो सीबीएस ग्लैंड जो होती है वो क्या हो जाती है, अफेक्ट होती है इससे। और क्या होती है, ज़्यादा ऑयल का सिक्रीशन करती है
और कुछ स्किन प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती है, जैसे कि लीजन्स दिखाई देते हैं, आईज और नोज़ के राउंड्स में क्या होते हैं, कुछ रिंकल्स आ जाते हैं, है ना, लीजन्स आ जाते हैं। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट किसके हैं, विटामिन B6 की कमी के। अब थर्ड है, चिल्ड्रन डेवलप नर्वस इरेटेबिलिटी एंड कन्वल्जन्स। मतलब अगर चिल्ड्रंस को अगर ये डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, जो चिल्ड्रन होता है वो इरिटेट हो जाता है, नर्व्स इरिटेबिलिटी हो जाती है उनमें और कन्वल्जन्स भी आने लगते हैं। तो इस विटामिन की कमी से या डेफिशिएंसी से क्या होगा, ये सारे इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे। तो हमने वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में अभी विटामिन B3 देखा, B5 देखा और विटामिन B6 के बारे में भी डिस्कस किया कि इसके ये जो विटामिन है वो क्या होता है, इसके सोर्सेस क्या है, ये क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में और इसकी हमें डेली रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में कितनी चाहिए होती है, और अगर बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 2 है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का, पार्ट 1 इसका आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, ये पार्ट 2 है। अब लास्ट जो आपका आएगा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का पार्ट 3 आएगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो रिमेनिंग वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू क्लास।